बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के महराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा पर पथराव और गोलीबारी हुई, जिसके बाद से ही तनाव बरकरार है। शांति व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। गोलीकांड में मारे गए युवक का शव सोमवार की सुबह गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। यहां भी घटना को लेकर लोग आक्रोशित दिखे। गांव गए तहसीलदार को सभी ने खदेड़ दिया। परिवारजन के साथ हजारों की संख्या में लोग शव लेकर तहसील परिसर की ओर चल दिए। ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रामगांव थाना क्षेत्र के रहुआ मसूर गांव से दुर्गा प्रतिमा विजय जुलूस निकल रहा था। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस हरदी थाना क्षेत्र के महराजगंज बाजार में पहुंचा था। धार्मिक स्थल के सामने डीजे बजाने पर समुदाय विशेष के लोगों ने रहुआ मसूर गांव निवासी राम गोपाल मिश्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे आक्रोश फैल गया। इसके खिलाफ प्रदर्शन के साथ ही आगजनी और पथराव हुआ। हरदी पुलिस ने विरोध कर रहे बहुसंख्यक समाज के लोगों पर ही जमकर लाठियां भांजी। कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम के बाद सुबह शव जब घर पहुंचा तो हंगामा मच गया। यहां तहसीलदारों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बवाल के बाद पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया है कि सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। अधिकारियों से वार्ता चल रही है। वहीं परिजनों के साथ हजारों की संख्या में लोग शव को लेकर तहसील परिसर की ओर चल दिए। ग्रामीण अपराधियों को फांसी देने और घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं।